हमने वो वाला रूम चूज किया गाइस, एंड हमारे पीछे के बाहर से ना कुछ ऐसा व्यू आता है, देखियो एक नंबर का व्यू है भाई साहब यहाँ पे। यो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू अनदर व्लॉग, एंड हाउ आर यू बॉयज? क्या हाल चाल यार? हमारी टिकट काट दी जाएगी आज घर से भाई साहब। हमारा सब कुछ पैक कर दिया, टिकट काटने की फुल तैयारी भाई साहब, एंड एक प्लान में कुछ चेंज है गाइस। सीकर तो जा रहे हैं आप सबको पता है, एंड मामू बोलते हैं मैं रेडी हो रहा था कि चल सालासर चलेंगे। मैं क्या सीकर जा रहे थे, बोलते कि रास्ते में बढ़ता है, सालासर घूमते हुए चलेंगे, देन उसके बाद सीकर। मैं कि हाँ मामा जी, मौज करते बैठे। सो फाइनली मेरे को सारी बात बताने के लिए ऊपर आना पड़ा गाइस, बिकॉज नीचे काफ़ी ज़्यादा शोर था नानी जी की, बेटा ये ले ले, ये ले ले, तेरी रोटी डाल दूंगा, ये डाल दूँ, वो डाल दूँ। मैं कि नानी जी मिलती है वहाँ पे, नहीं तो फिर भी तू एक टाइम के लिए जा। अपनी मम्मी लोगों और नानी लोगों को ऐसा हो जाता है कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। घर पे मम्मी जी भी की ये डाल ले, ये डाल ले, इतने सारा बैग पैक कर दिया। यहाँ पे आके मैंने सॉर्ट आउट किया, सिर्फ एक सूट केस रखी, एक बुक्स का बैग है, एंड एक में छोटा मोटा सामान है, दवाई वगैरह होगी मेरी, कॉस्मेटिक वगैरह, मेकअप शेकअप एंड ऑल दोस। तो सारी बात बता देना, अभी बस जस्ट 5-10 मिनट के अंदर निकलने वाले गाइस। गाड़ी में सामान रखते हैं फटाफट, देन उसके बाद चलेंगे पहले सालासर। आज तक मैं कभी सालासर नहीं गया, पहले सालासर, देन उसके बाद मेरे को सीकर की टिकट काट देंगे। इतने गंदे लोग हैं ना भाई साहब, ये बच्चे को निकाल रहे लात मार के। कोई बात नहीं यार, जाना तो पड़ेगा यार, कोई नहीं। हाउ फाइनली वी हैव टू गो। सच्ची में मैं आज थोड़ा हैप्पी हूँ, कल तो मैं इतना सैड हो रहा था, तो मैं कि यार घर छोड़ के जाना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं कि कोई नहीं, कुछ ना कुछ बन के आएंगे, ठीक है। फुल जोश के साथ जा रहे हैं गाइस। गाइस नानी जी तो अभी टीका भी निकालेंगी, तो थोड़ा पीछे नोगी काटो, पीछे नोगी। ना रुपया रुपया ही नानी। गाइस बैग में चाहे लाखों रुपए पड़े हो, बट नानी जी लास्ट में जो 100 रुपए देती ना, उनकी वैल्यू एक अलग होती है। निकल जा भाई। और नो टेढ़ा काट दिया। कोई नहीं कोई नहीं, छेड़ो मत छेड़ो मत, थोड़ा टेढ़ो निकल गया, बट कोई ना काम चल जाओ, कोई बात नहीं। टेढ़ो बढ़िया हो सर, सुबह सर, सुबह है, बाय बाय लीलू, बोले बाय बाय लीलू। गाइस हमारी धुरू तो स्कूल में जा चुकी यार, वो काफी जल्दी चली गई, सुबह सुबह स्कूल में चली गई थी। धुरू चली अपने स्कूल में। ओए मैम, ए सुन सुन भाई, बस नहीं आई क्या तेरी? गाइस चल पड़ी नानी जी से, है ना यहीं पे छोड़ेंगे, बिकॉज पास ही में तो स्कूल है इसका, गांव में ही छोड़ाएंगे ऐसे ही। गाड़ी फुली रेडी, धो धा के सुबह सब कुछ रेडी कर दिया, फाइनली गाड़ी डन गाइस, बिल्कुल चमका दिया है। एंड एक नई चीज़ सीखी आज मैंने, मामू ने ना डव से गाड़ी धोई है, कपड़े के ऊपर ये शैम्पू लगा के एंड गाड़ी के ऊपर रगड़ दिया, गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अभी बेचारी का बैक धोया था, फ्रंट तो रह गया थोड़ा सा, कोई नहीं फ्रंट भी धो देते हैं अभी। ये हु फाइनली नाई आ चुका है गाइस, जाने से पहले थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, हमारी कटिंग शटिंग हो जाए, फाइनली थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग दिला के मामू आते ना तब तक मैं कटिंग करवा लेता हूँ, वरना बीच में आके बेफालतू की चौधर करेंगे। पिछली बार की तरह बैंड बजा देंगे, कोई नहीं। हमाल में तेरे बाप को मत सिखा चल। एंड मेरा सामान भी, एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, इसमें दिखेगी क्या? हाँ ये देखो, ये लोअर मेरा नहीं है, ये शूज़ वगैरह मेरे। मैं क्या करूँ यार, कपड़ों का तो मैं एक नंबर का चोर हूँ। वहाँ पे मामा जी के ये पंखा किसने चलाया, गोली मार दो उसको, गोली मार दूंगा बता दिया। ये मामा जी के कपड़े पड़े थे, मेरे को ये लोअर पसंद आ गया, मैं कि उठा लो, पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्यों रखे मेरे सामने कपड़े, मामा जी की गलती है। फाइनली मेरा सब कुछ पैक है, इसमें मेरे कपड़े, उसमें बुक्स और उसमें सारा सामान है, है? इतना पर्स इसमें है। ये सूट कैसे एक नंबर का होगा, ऐसे लेके घूमते रहो, इसे स्टैंडर्ड बनता है, इसे स्टैंडर्ड। मौसी जी का उठा लिया मैंने सारा सामान। पहले मैं ऐसे जा रहा था, देन उसके बाद मैंने ये सूट कैसे उठा लिया। वो बैग में यार बुक्स काफ़ी ज़्यादा हो गई, एनसीईआरटी लगभग सारी एनसीईआरटी हैं, सिर्फ फिजिक्स की एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास, कोई नहीं जुगाड़ मानी कर लेंगे। इतनी बुक्स भाई, इतने कपड़े, फाइनली अपने कपड़े उसके अंदर पैक, फाइनली गाइज वी आर रेडी। बाय 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 लल्लू। हां और कोई चीज़ क्यों ना फोन करिए सांझी रोज की। अरे कर लियो रोज, कर लियो रोज, सांझी रोज की। फाइनली गाइस वी आर जस्ट लीविंग, मिस यू घर, मिस यू। फाइनली बैठते हैं चलो। मामू ने तो गाड़ी वगैरह स्टार्ट भी कर ली, मतलब इतनी जल्दी है मेरे को धक्के मार के निकालने के। खोलो भाई, ये इसमें डाल दे, आ जाएगी गाइस में। फाइनली ये मेरी बोतल है गाइस, चल चुके हैं अपन लोग। जाने से पहले इस गाड़ी का भी तो ब्रेकफास्ट करवाना पड़ेगा गाइज, हम तो कराए थे। ओहो नया नया पेट्रोल पंप बना है, एक नंबर भाई साहब। गाइज मैं सुबह सुबह ना दवाई लेना भूल गया भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मम्मी को ये बात पता लगेगी ना कि मैंने दवाई नहीं ले रही, लात मारी मेरी। अभी फटाफट दवाई निकालता हूँ, मेरी अभी खुल जा भाई, बैग में डाल रखी मामू यार। डिग्गी क्यों ना खुलती? डिग्गी लॉक कर रखी थी गाइज, अब खुलेगी। ओ तेरी, अब सामान कैसे निकालूं मैं? ये राजस्थान में एंटर करती है, बस बोर्ड ही बोर्ड दिख रहे हैं, हर जगह बोर्ड्स दिखने स्टार्ट हो चुके हैं गाइज।
इंस्टीट्यूट्स के, कहीं रेजोरेंस का, कहीं एलन का, कहीं किसी का, एक बोर्ड वो रहा, एक ये रहा, मतलब रोडों पे गाड़ियों से जाते तो बोर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड कुछ भी कहो यार, राजस्थान के रोड एक नंबर मक्खन जैसे है, एक नंबर रोड्स है यहाँ पे। राइट नाउ वी एंटर टू द झुंझुनू गाइस, एंड इसके बाद 68 किलोमीटर की दूरी रह गई सिर्फ। एंड वो फ्लैग देखो सामने, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. गाइज हम सीकर पहुंचने के बाद है ना, तीन पीजी देख ली हमने। पहली देखी थी उनके मामा जी के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने दिखाई थी, उनकी कोचिंग थी तो उन्होंने बताई थी। देन सेकंड देखी, देन अब थर्ड मेरे पीछे है। थर्ड वाली इतनी खास नहीं लगी हमें, सेकंड वाली ठीक लगी थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मामा जी सेकंड वाली करवा लो, बाकी तीन चार और देख लेते हैं, अभी अपने पास तो टाइम है ही। देन उसके बाद एडजस्ट हो जाते ना रूम वगैरह पे जाने के बाद, आपको रूम वगैरह दिखा दूंगा। यार आई डोंट थिंक सो कि कल मैं ब्लॉग कर पाऊंगा, बट ये बात मैं पिछले तीन दिन से बोल रहा हूँ। देखते हैं, चलो एक और पीजी आइए कैसी है। इस पीजी का तो रूम ये है गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी तीन बच्चे रहते हैं, उन्होंने ये व्लॉग देख लिया तो बोलेंगे भाई साहब हमारी प्राइवेसी केयर लगा दी है। बट कोई बात नहीं, इसमें तीन बच्चे हैं, दो वाले रूम अवेलेबल नहीं है, हम ये प्रेफरेंस नहीं देते। फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ाया जाता है, एक नंबर की पीजी भाई साहब। यहाँ पे लॉन्ड्री के कपड़े पड़े इनके, हमने वो वाला रूम चूज़ किया गाइज। एंड हमारे पीछे के बाहर से ना कुछ ऐसा भी आता है, देखो एक नंबर का भी है भाई साहब। यहाँ पे खड़े होकर नज़ारा लेते रहो, सामने पहाड़ वगैरह भी हैं। एंड हम एक दो तीन थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे खड़े हैं गाइज, हमारी गाड़ी वहाँ पे, यहाँ से गिरे ना तो टोटे टोटे हो जाएंगे अपने तो। अभी फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे शीशे वगैरह लगा देंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। फाइनली गाइज बढ़िया जगह है। वो बच्चे गाइज हमारी तरह ना रूम ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, हमें तो रूम मिल गया। फाइनली गाइज हमें लक्ष्य मिला। भाई सुबह से तू कॉल पे कॉल कर रहा, रख तेरा फोन और तेरा बल्ला, माथिर मारेगा रूम पे बैठ के। तेरी मम्मी ने दिया भाई, मैंने कौन मेरा मेरा काम तो बस बीच में मैसेंजर को देख, यकीन को नहीं हो। एक तो मम्मी ने इतना बढ़िया फोन दियो तो नहीं यकीन को नहीं हो भाई। अरे दादी नहीं हो फोन दियो मेरा भाई, तो कौन सो दे थी यार, मैं खुद को रुपया को दू तने। दादी नहीं दियो है कच्चा काटी रूम पे पूछ, बड़ा तेरा पर्सनल बिजनेस चल रही तेरा फोन है। एक नंबर की KTM बाइक थी। अरे यो फोन दियो भाई, अरे यो फोन ही एक काम कर, जा जा फोन ने कौन तने। एक तो फोन देने लाग रहा, बोले यार मानना को नहीं। अरे रुक जा भाई, यो मेरा है ही नहीं, मानना ये तेरो है यार। यो कैमरे क्यों बंद करेगा, तू लाइव प्रूफ होना चाहिए। दादी तई दिखाऊंगी फोन, दे दियो तेरे छोरा तई। अरे यो फोन है यार, मानना को नहीं देखे। पासवर्ड कौन मेरे भाई, मैंने काचा काटी में तेरी मम्मी दर घंटी मार ली। यो फोन दियो तार टाइम, और तेरे लगो यो मेरा फोन है, नया फोन खरीद लिया मैंने, ले भाई। और क्या हाल चाल हो रहे तेरो। राइट नाउ वेटिंग फॉर द पीजी ओनर, ताकि हम आगे फर्दर बात कर सकें, रूम वगैरह का रेंट वगैरह सारी डिटेल्स पूरी कर सकें। बट वो अभी तक आया नहीं यार, हमें चाय पकड़ा के चला गया। अभी ये बेड वगैरह बाहर पड़े हैं, गद्दे भी बाहर पड़े हैं गाइस, कोई नहीं, थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह चल रही है। हमारा रूम ये वाला है, पहले हमें ये वाला रूम पसंद आया था भाई, एक नंबर रूम है ये, सच्ची बता रहा हूँ। बट यार इसके अंदर वो स्मेल ज़्यादा आती थी, और इसके अंदर हुमस वगैरह हो जाएगी, कूलर भी अंदर रखना पड़ेगा, खिड़की नहीं है। देन यार फिर भी इसमें कोई स्वाद को नहीं, फिर हमने ये वाला रूम चूज़ किया ताकि हम यहाँ पे कूलर वगैरह लगा सकें। इसके अंदर से आर पार दिखता है तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर लगा लेंगे। फाइनली ये वाला रूम हमने फाइनल कर दिया है, ऐसा कुछ है। गाइज मैं पहले दिन तो कहीं पे एडजस्ट ही नहीं होता, पता नहीं मेरे क्या हो रखा है। गाइज मैं आया था ना, तब से मेरे इतनी ज़्यादा हाई लेवल इरिटेशन और किना इरिटेशन के कारण आगे से पूरा फोर हेड पेन करने लग जाता है, एक अलग लेवल का पेन हो जाता है। मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता, पहले दिन तो शिमला गया था वहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पा रहा। बट कोई बात नहीं, एक दो दिन में आदत पड़ जाएगी। एंड अभी एडिटिंग किया ना तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है, बिकॉज उसमें कंप्लीट कंसंट्रेशन एडिटिंग पे दे दी थी ना, तो फालतू में भड़क भूल गया था। एंड रूम वगैरह साफ किया गया, इतना गंदा हो रहा था, इसके अंदर से इतनी मिट्टी निकाली है। फाइनली कुछ अरेंज कर दिया, हमारा सूटकेस वगैरह यहाँ गाइस भर गया यार, बोतल तो नहीं टूट गई, बड़ी शट यार डेंट आ गया बोतल में। बट कोई बात नहीं, ओ यार ज़्यादा आ गया,
बट अंगूठा बच गया मेरा, ऊपर वाला लगा, अगर नीचे वाला डायरेक्ट अंगूठे में लग जाती ना छुल जाता। थोड़ी बहुत तो लगी बट कोई बात नहीं, घंटा स्क्रिप्टेड था इतना चोट लगी। ये सूटकेस वगैरह नहीं खोली, ये कल खोलेंगे, मैंने ये कर दिया। आई हाय गाइस, व्लॉग समाप्ति करते हैं यहीं पे, एंड कुछ नीचे लोग बाय बाय, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।